हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी बुक चल रही थी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूट्स वाला कर रही थी, और उसमें हमें आज इलस्ट्रेशन करना है 9th वाला। वो क्या बोल रहा है कि राम श्याम कृष्णा आर 3 बेनिफिशरीज ऑफ ए प्राइवेट डिस्क्रेडिटरी ट्रस्ट। दिस ट्रस्ट वॉज फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1999। नन ऑफ द बेनिफिशरीज हैज़ पर्सनल इनकम चार्जेबल टू टैक्स एंड नन ऑफ द बेनिफिशरीज इज ए बेनिफिशरी अंडर एनी अदर ट्रस्ट। The trust has the following incomes during the previous year 1920. Taxable income from house property 1,70,000. Interest on securities 1,20,000. Compute the tax payable by the trust for the assessment year 2021. Second point है, what difference would it make if any of the beneficiaries has personal income chargeable to tax? हमें इसमें tax payable निकालना है इन तीनों का, और क्या करना है कि उनकी personal income हो अगर इसमें तो हम कैसे चार्ज करेंगे, तो उसकी एक फिक्स रेट होती है, उसी से हम टोटल इनकम पे वो रेट लगा देते हैं। पहले हम देख लेते हैं उसकी टोटल इनकम। अब उसमें क्या है, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रस्ट रह गया, इसलिए हम उसको AOP मानेंगे, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन मान के फिर उसकी टैक्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, उसके पास दो इनकम है वो लिख ली दोनों, फिर ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। अब उसमें से हमें डिडक्शंस देनी होती हैं, तो इसमें कोई डिडक्शन है नहीं 80 की, तो फिर हमारे पास टोटल इनकम कितनी आ गई, 2,90,000 आ गई। अब हमें टैक्स पेबल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, स्लैब रेट से टैक्स लगाते हैं ट्रस्ट के अंदर, तो 2,50,000 तक तो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बच्चा कितना, 40,000 पे लगेगा 5%, तो होता है 2,000 हो गए। अब उस पर क्या करते हैं, हम 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो वो 80 हो जाएगा, तो हमारी टैक्स पेबल कितना होगा, 2,080 हो जाएगा, हो गया। सेकंड पॉइंट बोल रहा था कि अगर उनकी पर्सनल इनकम हो तो क्या होगा, उसमें तो रेट है वो हमें डायरेक्ट याद, 31.20%, 2,90,000 का ये 31.20% निकालेंगे तो ये हो गई, तो ये उनकी टैक्स लाइबिलिटी हो गई। ये इलस्ट्रेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।